हेलो फ्रेंड्स, एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ट्रेपेजियम के बारे में और उसके एरिया के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें एओडी की का एरिया 16 दे रखा है और बीओसी का एरिया 25 दे रखा है। हमें एबीसीडी का एरिया निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगती है कि एबीसी और बीसीडी ये दोनों एरिया इक्वल होते हैं क्योंकि सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है। अभी मैंने आपको ये बताया कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीसीडी इक्वल होते हैं एरिया के अंदर क्योंकि वो सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है। दोनों में से अगर मैं बीओसी को माइनस कर दूं दोनों तरफ तो हमें मिलता है ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीओडी। तो दोस्तों, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। तो अब एबीसीडी का एरिया होगा एक्स एक्स 16 और 25। एक और प्रॉपर्टी इसमें जो लगती है वो ये है कि ट्रेपेजियम में आमने सामने के ट्राइंगल्स के एरिया का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो जो अगली प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीओडी का एरिया, इन दोनों का प्रोडक्ट ट्राइंगल एओडी इंटू ट्राइंगल बीओसी के एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है। AOB का एरिया x है, COD का एरिया भी x है, AOD का 16 और BOC का 25 है। x और x का स्क्वायर x स्क्वायर हुआ और ये 400 हुआ। x की वैल्यू 20 आ गई दोस्तों, तो इस ट्राइंगल का एरिया भी 20, इस ट्राइंगल का एरिया भी 20, दोनों इक्वल है। तो ट्रेपेजियम ABCD का एरिया हुआ इन चारों का सम 16, 20, 25 और 20। कौन से चार ट्राइंगल लिए दोस्तों? हमने एओडी लिया, सीओडी लिया, फिर बीओसी लिया और एओबी लिया, इन सभी का सम। तो दोस्तों, ये 25 और 16 को अगर हम लोग ऐड करें तो 41 प्लस 40 81, तो इस ट्राइंगल का एरिया हुआ 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया है। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।